कलेक्शन के थ्रू आज वी आर गोइंग टू द एनएफटी प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द फर्स्ट अनवीलिंग ऑफ इट्स काइंड और इसमें डिटेल जो है वो एक मिनीचर पेंटिंग की ही है, उतनी ही महीनता से काम किया गया है और इसमें जो ये पर्टिकुलरली समबडी हु पजेस द ओरिजिनल वर्क इज ओनली गोना बी वन ऑफ इट्स काइंड वर्क एंड द रेस्ट वुड बी ऑल डिजिटल कॉपीज ऑन द एनएफटीज एंड एनएफटी प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आने वाले दिनों में आप जानेंगे देखेंगे कि आज एक आर्टिस्ट की जो छवि है वो एक गैलरी तक नहीं, इट्स गोना बी वे मोर देन दिस थ्रू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो विल बी द बिग एक्सपोजर विल बी वे बिगर फॉर एन आर्टिस्ट थ्रू दिस मीडियम। एनएफटी क्या है उसके बारे में थोड़ा सा? एनएफटी एक नॉन फंजिबल टोकन है। आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनते आ रहे हैं और उसके बारे में बहुत सारी बातें भी होती आ रही हैं कि ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा, पर अगर इस प्लेटफॉर्म पे बहुत तरीके से अगर समझ के काम किया जाए तो ये आज के टाइम में अनदर 10 ईयर्स डाउन द लाइन दिस गोना बी रियली बिग एज अ प्लेटफॉर्म। और जितना भी आर्ट आप देखते हैं, जो गैलरीज में देखते हैं, ये सारा काम आपको एनएफटीज पे आने वाले टाइम में डाइवर्ट होगा। तो इसको यू कैन ट्रेड इट थ्रू इथेरियम्स और बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जिसे कहते हैं, उसमें इस काम की ट्रेडिंग है। और ऑलरेडी ट्विटर हैज़ काइंड ऑफ ऑलरेडी अनाउंस्ड द अराइवल ऑफ द क्रिप्टो करेंसी।
सो यस ओके. और इस पेंटिंग खास जो ये पेंटिंग आपके नीचे लगी हुई है इसके बारे में बहुत खूबसूरत बनाया है आपने, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें दर्शकों को, क्या है ये, कैसे क्या इसकी कहानी. इस कलेक्शन का नाम मैंने पेरिशियस रखा है, विच इज पेरिश एंड प्रेशियस. पेरिशिंग एनिमल्स और प्रेशियस ऑटोमेटिकली बहुत कम है, और बहुत आज पीटा है या डब्ल्यूएफ है बहुत कोशिश कर रहा है कि हम इन एनिमल्स को बचा सकें. एंड आई एम एनिमल लवर ऑल्सो, सो दिस इज समथिंग विच इज़ अ ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसको मेरे लिए आप, क्योंकि हर बार कुछ एज एन आर्टिस्ट आज मैं मिनीचर्स करता आ रहा हूँ बहुत साल से, तो मेरी छवि मिनीचर्स में ही बनी हुई है, तो उससे हट के कुछ करने का मौका मिला एंड दिस इज दैट पर्टिकुलर कलेक्शन व्हाट यू सी. ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इसके अलावा और भी क्या खास खास है यहाँ पे आज पेंटिंग जो लगी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. कुछ ऐसा देखने में भी आ रहा है गोल्डन है और कुछ हाथी के दांत ऐसे समथिंग कुछ. सो आज हम लोग, आज मैं थर्ड जनरेशन आर्टिस्ट हूँ, मतलब मेरे फादर अभी भी ही स्टिल पेंट्स. तो अब हम मिनीचर्स को बढ़ावा देना एक बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ का, कि आज जितनी भी सभ्यता है आपकी, आज मिनीचर्स इज़ द बिगेस्ट, मतलब आज सबसे पुरानी सभ्यता देखा जाए तो 5000 सालों से मिनीचर्स हैज बीन देयर. पर जैसे जैसे कंटेम्प्रेरी आता गया वैसे वैसे इसकी जो चार्म है, जो क्रेज़ है, वो कम होती जा रही थी. तो आज 7-8-10 साल से मैंने कोशिश करी कि आज कहीं ना कहीं मिनीचर्स को बढ़ावा मिले, और अब जाके एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है कि हमको वी गेटिंग दैट स्पेस, कि आज लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं मिनीचर आर्ट को वापस. आज पिचवाइज है, पिचवाइज को रिवाइव करने का ये एक बहुत बड़ा कारण था कि पिचवाई, मतलब ये जो आप जो देख रहे हैं जो गाय वाली पेंटिंग्स हैं, ये नादवारा शैली की हैं, और उसके अलावा तंजोर्स हैं जो साउथ में होती हैं. तो इनको मैं काफ़ी सालों से स्टडिंग द आर्ट, इनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और डिटेल और महीनता से, कि ये लोगों तक पहुँचे. आज पीएम से जो मुलाकात हुई तो उनका बुलाने का एजेंडा यही था कि आज मेक इन इंडिया के थ्रू या मेरे माध्यम के थ्रू हम लोग फोक आर्ट को वापस बढ़ावा दे सकें. तो दैट इज़ वॉट कोशिश ये है कि अंडर वन रूफ आप ये सब काम देख पाएँ, क्योंकि हमारी लेगेसी ही ये है. और कहीं ना कहीं जब ये लुप्त होती जा रही है तो उसको आप लोगों के पत्रकारों की तरह हम लोग इसको वापस उठा सकें, और आज के टाइम पे जो नई एज मकान है, जो नए लोग घर बनाते हैं, सब जगह वापस इसका चार्म उतना ही वापस सब वापस उस डायरेक्शन में हो. ये कई पीढ़ियों से चली आ रही है, उसके बारे में पहले और अब क्या जनरेशन में या क्या डिफरेंट देखते हैं जब आपके ग्रैंडफादर करते थे और आप कर रहे हो. आज भी सब कुछ देखा जाए तो आज भी हम वही खड़िया यूज़ कर रहे हैं, वही आज जो पिगमेंट्स होते हैं, जो वेजिटेबल डाइज होती हैं, हम आज भी सब वही यूज़ करते आ रहे हैं. बट आज जैसे मैं आई एम अ न्यू जनरेशन आर्टिस्ट, तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी काम को और मॉडर्नाइज करके इस काम को, मतलब अंडर वो नहीं किया जाए, डिग्रेड नहीं किया जाए, ये वापस जितने भी न्यू एज हाउसेज है वहाँ इन सबको वापस बढ़ावा मिले इस आर्ट को और वापस. बिकॉज आज की डेट में सभ्यता क्या है इंडिया की, इट इज़ ट्रेडिशन. And India is a very strongly in a traditional country, right? So, taking the roots along, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को वापस, अब things have actually got back to normal, that you know, as miniature, as the folk art, it is being accepted really well. कितने दिन चलने वाला है ये? ये 23 तारीख तक शो रहेगा, 23rd of this month. हाँ जी. और क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिरी सवाल चलते चलते, कि अगर किसी से अपील करना चाहें अपने दर्शकों से, अपने लोगों से जो नहीं पहुंच पाए वो आके अटेंड करें इस एग्जीबिशन को, कुछ अपील करना चाहेंगे? एक एग्जीबिशन करने में, आज कहने को तो छोटी सी एग्जीबिशन है पर मेरे लिए आज मेरे 21 साल का काम है, और हमेशा डायरेक्शन यही रहा है कि हम इंडियन, आज इंडिया में इंडिया खुद इतना हेरिटेज कल्चर रिच है कि हम इस काम को बढ़ावा दें, हम इस काम को प्रमोट करें. सब कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी क्यों? Why everything is contemporary? Why can't it be traditional? Why can't it be miniatures again? It's not important that aaj contemporary aaj lagai jati hai, to aaj miniatures mein bhi there is a much richer charm that it has. And support the miniature painting artists, support the community, folk art ko support kiya jaye, aur ye ek bahut bada initiative hoga, aur aap logo ke through aapke medium se hi ye cheez aage ja sakti hai, ki kyunki aaj se jo artists hain wohi lupt ho gaye hain. आज मैं हूँ, आज मेरे में एक जील थी इस काम को आगे ले जाने की, इसलिए मैं कर रहा हूँ. अदरवाइज बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो यहाँ तक बेचारे पहुँच ही नहीं पाते, कि और बहुत अच्छे आर्टिस्ट इंडिया में, इंडिया लाइक आई सेड वी आर लकी टू हैव अ कंट्री विच हैज़ सो मेनी ऑफ सच ब्रिलियंट आर्टिस्ट, बट आज उनको कोई भी अप्रिसिएशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, दे पीपल डोंट वैल्यू द फोक आर्ट प्लेटफॉर्म लाइक दैट. सो आप लोगों के थ्रू आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट दैट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले इस काम को, मिनीचर्स को वापस. आज पीएम साहब खुद कहते हैं, पीएम साहब ने मेरे को स्पेशली बुलाया, पीएमओ बुला के यही बात करी कि शर्मा जी फोक आर्ट को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है,
दैट्स व्हेन आई केम इनटू प्लेस एंड मैंने आके आज इंस्टाग्राम कह लीजिए या फिर आज सोनाली कह लीजिए जो मेरी जो टीम है जो बार बार इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि मिनिएचर आर्ट फोक आर्ट हम लोग डिफरेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आज हम इस चीज़ को लुप्त ना होने दें क्योंकि आज एक ब्रश एक कलर एक पेंट जॉब देखते हैं जो आप कंटेम्प्रेरी भी देखते हैं पूरी दुनिया में सबसे पहले जो आर्ट हुई थी दैट वॉज मिनिएचर इन इंडिया तो आपको इफ यू डोंट नो दैट द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म एनी काइंड ऑफ आर्ट इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ इंडिया किसी को अगर क्रेडिट देना चाहें आप तो किसको देंगे ये सब के पीछे किसका हाथ और किसको क्रेडिट देना चाहें मेरे फादर को बिकॉज ही हैज मेड मी द काइंड ऑफ पर्सन आई एम और उन्हीं की वजह से शायद आज मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं सब कर पा रहा हूँ और बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं आप लोगों को आपको तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे Thankful to everyone who's here. Really thankful. And my wife is also here. So without her, it wouldn't have been anything. Okay, ma'am. आपने join किया है कुछ कहना चाहेंगे आज इस exhibition के बारे में? He's a very hardworking guy and keep it up. Thank you. आंखें भर आई आपकी क्यों क्या बात? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thanks.